के कलानौर क्षेत्र की अनाज मंडी में हुए तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। दो बेटियों व पत्नी को मौत के घाट उतारने के आरोपी और बेरहम आढ़ती देवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपित को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। हत्यारे बाप ने अपराध कबूल कर लिया है। इस हत्याकांड एक नहीं कई राज सामने आए, साथ ही यह भी सामने आया कि उसने पहले भी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। अब तक की पूछताछ में आरोपी आढ़ती देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि एक सप्ताह पहले भी उसने अपनी पत्नी रिम्पी की हत्या करने की सोची थी लेकिन अचानक मोबाइल पर कॉल आ गई, इससे रिम्पी की नींद टूट गई। वहीं देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा था जिससे उसने 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे। उक्त महिला कुछ दिन से पैसे लेने के लिए उस पर दबाव बना रही थी। वह तनाव में चल रहा था, इसी बीच उसकी पत्नी को भी अफेयर की जानकारी हो गई, जिसके चलते दोनों के बीच करीब 15 दिनों से झगड़ा चल रहा था। घटना की रात उसने गुस्से में आकर सोते समय पत्नी का रस्सी से गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी देवेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया है कि उस पर 15 लाख का कर्ज हो गया है, इसके चलते वह काफी परेशान रहता है। इस कारण दो बेटियों के बाद और बच्चे पैदा न करने का निर्णय लिया, इसके लिए खुद की नलबंदी में रात के समय महिला तथा उसकी दो बच्चियों के तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक महिला का पति आढ़त का काम करता है जो सुबह बाथरूम में बंद मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पेशल टीम को भी जांच के लिए बुला लिया गया। फिलहाल शक के आधार पर मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी कह रहा है कि सबसे पहले उसने पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की, इसके बाद दोनों बेटियों को एक एक करके मार दिया। तीनों की हत्या के बाद उसने भी आत्महत्या करने की सोची थी लेकिन उसे डर लगने लगा, इसलिए खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी बार बार बयान बदल रहा है। जांच अधिकारी का कहना है कि पुख्ता तौर पर पूरी वारदात से आरोपी को रिमांड पर लेकर ही खुलासा कर पाएंगे। पत्नी की मौत के बाद उसे एहसास हुआ कि अब बेटियों की परवरिश कौन करेगा। बस इसी उधेड़बुन में उसने अपनी दोनों बेटियों का भी रस्सी से गला घोंट दिया। घटना के बाद जब सुबह पुलिस पहुंची तो आरोपित देवेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अलग ही कहानी रची। पुलिस को कहानी सुनाई कि उसकी पत्नी ने उसे बाथरूम में बंद करके बेटियों के साथ